हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, ये गुड आफ्टरनून का समय है। आज मैं सुबह से ब्लॉग नहीं शूट की थी क्योंकि सुबह सुबह उठना, भागन दौड़ा, ये काम और काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, टिफिन बॉक्स वगैरह बनाना। तो ये दोपहर का समय है, मैं गई थी सबको स्कूल से लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर ड्रेस चेंज कर दी, मैंने खाना खिला दिया है। हम नहीं बनाए थे, नानी बनाई थी और किटो का खाने का मन था चने की घुघरी, तो मम्मी आज बना कर गई थी क्योंकि मम्मी के हाथ से खाने का मन था, क्योंकि कभी कभी वो नानी बनाई थी और वो घुघरी खाता नहीं है। सुबह इन लोग को मैंने प्याज का पराठा टिफिन में दिया था और दोपहर में चावल और घुघरी बना है। तो होता है ना, कभी कभी इनके हाथ से खाना बहुत पसंद होता है, जैसे कि होता है कि मैं इनके हाथ का खाऊंगी, ये बहुत अच्छा टेस्टी बनाती है। तो वही चीज़, वही बात है, वही चीज़ है। तो मम्मी ने बनाया था दोपहर में, सुबह क्योंकि हमने उठा फिर सारा काम वगैरह करके मैं सो गई थी, फिर मैं उठी 11 बजे। फिर उसके बाद मम्मी ने बनाया घुघरी और किटन ने राइस। फिर ऋषभ को लेकर हम स्कूल से आ गए और फिर इसका देख सकते हैं, ये बॉटल है और ये टिफिन है, अभी धुले नहीं, इसको धुलेंगे। तो मुझे भी भूख लग रही है क्योंकि 1:30 बज गया है। ऋषभ को तो कैसो मैं ज़बरदस्ती खिलाया उसको चॉकलेट का लालच देकर, तुम्हें एक कार्टून का और चॉकलेट मंगाएंगे खाने के लिए, लेकिन ना वो लोग केवल ऐसा चीज़ खाते हैं कि परेशान हो जाती है, क्या बनाओ क्या ना बनाओ। तो फिर भी बोला चलो खाओ, तुमको एक कार्टून चॉकलेट बना कर देंगे। तो यहाँ मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी सुबह थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर मुझे वीडियो बनाना है। और आज सावन का पहला दिन है और ग्रीन ग्रीन साड़ी पहनेंगे और बने रही, खा लेते हैं, फिर हम आपसे कुछ देर में मिलते हैं। तो गाइस, मैं खाना खा ली थी और खाना खाने के बाद पति देव का फ़ोन आया कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है गुड़गांव में। तो मैं रूम के अंदर थी तो मैं तैयार हो रही थी, ये ग्रीन ग्रीन की साड़ी, हम दोनों सेम साड़ी पहने हुए हैं। और फिर हमने बाहर आए, हम के चलते हैं आज रोड पे वीडियो बनाते हैं रील्स वगैरह। तो देखें बाहर आने के बाद क्या मौसम है, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, बहुत सुहाना मौसम बन गया है। ये देखिए, ये मौसम देखिए कितना बादल घेर गया हुआ है बारिश का, एकदम है कि बारिश होगी। और नीचे एकदम रोड खाली वगैरह है, मैं जाऊँगी अगर बारिश होगी तो नीचे या छत पर ज़रूर जाऊँगी। देखिए मौसम, देखिए ये मौसम, क्या मौसम आया है। ये है आज हमारे ये मौसम। और कपड़े कुछ हैं जो मैं इसको उतार के रख लेती हूँ, नहीं तो अचानक से बारिश आएगी सारे गीले हो जाएंगे। ऋषभ कैसा है मौसम? अच्छा है ना? तो गाइस बने रहिए, मिलते हैं आपको कुछ देरिया में। तो सो गाइस, हम तैयार हो गए हैं और इसी बीच में हमारी सोनाक्षी जी स्कूल से आ गई हैं। सोनाक्षी बेटी, गुड आफ्टरनून डियर, बोलो आज कैसे याद कर ली? याद नहीं करते क्या? और जो मैं घुघरी चावल बनाई ये नहीं खा रहे, बोली है कि मैं चावल नहीं खाऊंगा, खाऊंगी तो मेरे लिए रोटी बनाओ। अब मैं तैयार होकर इनके लिए जा रही हूँ रोटी बनाने। चले भाई, बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऋषभ तो जैसे तैसे चलाकी से खिला दिया था लेकिन ये नहीं मान रही है। अब जा रहे हैं इनके लिए 2 रोटी से, क्या रोटी खाओगी? उतना ही बनाएंगे हम। वीडियो बनाने से पहले मुझे सोनाक्षी के लिए बहुत रोटी बनाना पड़ा। चलते हैं किचन में, बने रहिए गाइस। तो गाइस किचन में हम आ गए हैं, देख सकते हैं इतना सा आटा गूंथ रही हूँ जो 2-4 रोटी बना देंगे। बताइए, मुझे तैयार होकर परेशान कर रही है लड़की। बने रहिए आटा रोटी बनाकर सोनाक्षी को मिलते हैं। तो गाइस इनके लिए मैं रोटी बनाई गरम गरम, घुघरी और रोटी खाएंगी, स्कूल से आई है, खा लो गरम गरम खाओगी अच्छा लगेगा, 2 रोटी ज़्यादा खिलाया जाएगा। चलिए गाइस खा लेते हैं फिर मिलते हैं। और गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दिए, आप लोग की वजह से आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है कि मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा 1,00,000 रकल रात को ही मतलब कि 11:15 बजे कंप्लीट हो गई थी। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि आप लोग ने इतना प्यार दिया और इंस्टा पे भी बहुत प्यार दे रहे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत प्यार दिए कि आप लोग की वजह से मेरा 1,00,000 से ज़्यादा यूट्यूब पे मेरी फैमिली हो गई है और इंस्टाग्राम पे तो अभी तो 1,00,000 कल रात को कंप्लीट हुआ।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार देने के लिए। अभी तक जिसने हमारी इंस्टाग्राम आईडी को नहीं जानते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है लाइक वंदना, तो फटाफट जाकर वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए। और बहुत सारा वहां पर रील्स डेली हम बनाते हैं, घर में क्या करते हैं तो ब्लॉग में देखते हैं, लेकिन रील्स में भी आप लोग को दिख जाएगा, है ना सोनाक्षी। तो थैंक यू सो मच, कितना भी हम वो शब्द बोले, मुझे वो शब्द की कोई मेरे पास है नहीं कि क्या मैं आप लोग को बोलूं। दिल से एकदम, मतलब कि अंदर से बहुत खुशी है, खुशी की एक आंसू होती है ना, वो आंसू अंदर से मतलब कि निकल रहा है। लेकिन क्या करें गाइस, अभी हमको रील्स बनाना है, अभी हम लोग क्यों जैसे मेरा कट रहा था, नहीं मेरा घटेगा नहीं, तो बस मुझे वीडियो बनाना है। अगर हमारी आँख से आंसू निकल भी जाएगा तो क्या बोलते हैं, आँख का काजल वगैरह फैल जाएगा, इसलिए मैं अंदर ही अंदर कंट्रोल कर रही हूँ। तो गाइस ये सब बातें हैं, और आप लोग खूब प्यार दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी दीजिए, यूट्यूब पे भी दीजिए, तो बने रहिए। सोनाक्षी खाना खा लेती है, हम इंस्टाग्राम पे रील्स बना लेते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए। तो गाइस हमने रील्स वगैरह बना लिया है, और मैं अपने आज बालों में इतना तेल लगाया था ना, लेकिन खिल के चेहरा नहीं आ रहा था, क्योंकि तेल लगा लो तो बालों को ऐसे ठीक से बाल अजीब चुप्पू चुप्पू लगती हूँ। तो कोई बात नहीं, जैसा है अच्छा बनाया है, आप लोग जाइए रील्स पे देखिए, मैं एक आपको वीडियो भी बगल में लगा दूंगी, देखना लेकिन गाना नहीं बजेगा, कैसे कैसे नाच के बना रहे थे। तो बने रहिए गाइस, थोड़ा कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, गर्मी मतलब लग रही है। ठीक है गाइस, कपड़ा चेंज करने के बाद हम मिलते हैं। सोनाक्षी सारा वीडियो में हेल्प किए हैं, हमारा किट्टू का सूट बोली थी ना, ये बच्ची बहुत काम लायक है सही वीडियो बनाने के लिए ना, सबसे बड़ा हेल्प की वीडियो मतलब जो बनाता है उनके लिए मेहनत काम नहीं, जो शूट करता है वो सबसे बड़ी बात होती है। सही में अगर इसमें से कोई वीडियो बनाता है, मेरा ब्लॉग देखता है, वो तो समझ सकता है। अगर जिस दिन कोई घर में रहता नहीं है ना, समझ नहीं आता वीडियो कैसे शूट किया जाए। और ये रिंग लाइट वगैरह लगा कर क्या अपना थोपड़ा से दिखाते रहे, बैक कैमरा करके जितना अच्छा वीडियो आता है अपने से शूट नहीं कर पाओ। तो यही होता है कि हेल्प की जरूरत बहुत होती है, सबसे मिला जुला कर रखना चाहिए, क्योंकि एनी टाइम तो कोई काम आ जाए कोई नहीं जानता। बोली थी क्या दोगी? क्या दोगी? लो ये नहीं पैसा अभी दे रही है क्या? बने रहे गाइस, बच्चों को थोड़ा लालच देना पड़ता है तभी बच्चे सुनेंगे। तो चलिए बने रहिए, मिलते कुछ देरिया में। तो गाइस एक बात हम कहना आपसे भूल गए थे कि जो हमने और किट्टू ने साड़ी पहना था सेम, और ये मैं कोई भी वीडियो देखेगा तो बोलेगा कि आज दोनों बहनों एक जैसी साड़ी पहनी हो, अब वंदना तुमने किट्टू का नकल किया है, क्योंकि आएगा कमेंट ऐसा। और क्योंकि किट्टू ने पहले वीडियो लाइव कर दिया था, अब मेरा मैं बाद में ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मैं बिजी रहती हूँ और हमेशा खाली नहीं रहती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉग शूट करके डालती हूँ। तो हम लोग को दोनों साड़ी एक ही पेज से मिला था प्रमोशन के लिए बहुत दिन पहले से, इसीलिए दोनों लोग को साथ में बनाना था, इसीलिए हम लोग का साड़ी सेम था और एक ही दिन वीडियो बनाना था इसकी वजह से। लेकिन कॉपी मैं किसी का नहीं करती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आता है मतलब कि आप किट्टू का कॉपी करती भाई, यहाँ एक दूसरे को देखकर ही लोग मंगाते हैं, खरीदते हैं, पहनते हैं। और बात यही रह गई कि क्या बोलते हैं, एक ही दिन दोनों को पहनना था, क्योंकि एक ही दिन हम लोग को वीडियो बनाना था गाइस, बनाना था वो प्रमोशन की वीडियो इंस्टाग्राम पे मिला था, इसलिए हम लोग वहाँ बनाए थे। तो हम किट्टू का कॉपी हाँ बहन है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन ये मत कहना कि एक ही दिन दोनों लोग साड़ी पहन के बनाई है, पहले उन्होंने डाला फिर आपने डाला, ये क्या सेम है ऐसे वैसे। तो ये सब आप लोग इग्नोर कर देना, ब्लॉग को बस इंजॉय किया करिए, आप लोग को इंजॉय करने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो सो गाइस ये शाम का क्लिप है, 7 बजने वाला है, 7:15 हो रहा है, और जो शाम का काम होता है छोटा मोटा, जैसे कपड़े उतारना, उसको तेल लगाना, रखना, थोड़ा हल्का फुल्का झाड़ू पोछा, और फिर उसके बाद सब काम करके फ्री हो गए हैं। फिर यहाँ हम आ गए, ऋषभ को होमवर्क करा रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखो ऐसे करो, 7 ठीक से मिटा लो, और तो नाची वहाँ अपना हिंदी का पोएम याद कर रही है। तो ऋषभ लिखो, छोटा छोटा लिखो, छोटा छोटा जो बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, देखो ऋषभ लिख रहा है गाइस, और फिर इसको हम पढ़ा लेते हैं, और फिर क्या बोलते हैं होमवर्क कराएंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे 1 घंटा, ये सब तो लगा रहेगा। और
20 तारीख को हमारा जन्मदिन है। तो 20 जुलाई को और 20 अगस्त को सोनाक्षी का है। कितनी खुश का मतलब कितनी खुशी की बात है, इसी महीने में कोमल भाभी का डिलीवरी है, मेरा बर्थडे है। कितना मस्त सब अच्छी अच्छी वीडियो आएगा। और आज सावन लग गया है, सावन को आपको हार्दिक शुभकामनाएं सबको। तो यही आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आती तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सबको प्यार देते रहिए, प्यार लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए।